गुड मॉर्निंग एवरीवन, श्रीमती महोदय तापड़िया गर्ल्स को लेकर स्पून काट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो डिस्कशन टॉपिक है वह है क्वेश्चन नंबर 12, आप बोर्ड पे देख रहे हैं। यह है सीपीएम पार्ट नेटवर्क टेक्निक लेसन से, और इसमें हमें जो चीज निकालनी है वो है नेटवर्क डायग्राम और क्रिटिकल पाथ। तो इसमें हमें जो एक्टिविटी दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हमें चलते हुए जो डायग्राम ड्रॉ करना है और हमें क्रिटिकल पाथ निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे इस टॉपिक को। सबसे पहले कोई भी एक्टिविटी हम जानते हैं कहीं से भी स्टार्ट होती है वो एक से स्टार्ट होती है, तो हम यहां नंबर देंगे एक। हम देख रहे हैं कि यहां से ए पे जा रही है, ठीक है। कोई भी एक्टिविटी किस पे जा रही है, ए लाइन पे जा रही है, ठीक है। उसके बाद में ये कहीं ना कहीं खत्म होती है, तो इसको नंबर देंगे हम दो। इसके पश्चात ए से, अब देख रहे ए से बी, ए से सी, ए से डी, तीन और अलग अलग जो एक्टिविटी है जो जा रही है। तो सबसे पहले हम देते हैं ए से, यानी यहां से दो से स्टार्ट करेंगे इसको, ए से बी, ए से सी और ए से डी। ये डी, अब ये एक्टिविटी हमारे सामने है तो हम इसको नंबर देते हैं तीन और इसको देते हैं चार। इसको हम नंबर देंगे बाद में, अगला जो क्रम इसको बाद में देंगे। और ए से हमने डी एक लाइन करी, उसके बाद में बी से ई, बी से ई, यानी यहां से एक लाइन और जा रही है, इसको हम ई पर भेजते हैं। और सी से एफ, यानी सी से एफ एक लाइन और निकलेगी, और सी से जी है जो कि एक लाइन जाएगी, दो लाइन इधर आएगी। तो एक तो हम सीधा लेते हैं यू या इधर, क्योंकि सी सी से जी लाइन, तो जी है जो E और F है जो आगे H पे जाके मिलते हैं, तो इसलिए C से हम क्या करते हैं एक लाइन इधर निकालते हैं और एक लाइन नीचे की ओर निकालते हैं। तो यूं यहां क्योंकि दोनों जो है के एक जगह के मिलती है, इसलिए हम क्या करेंगे चार से, हम जो यहां से ना, यानी चार का मतलब है C से, देखिए आप C से F, C से ये F लाइन हम यहां निकालते हैं, और E और F आप देख रहे हैं E और F है जो H पे जाके मिलते हैं कहीं, तो इसका मतलब यहां कोई क्रम देंगे पांच और ये जाके मिलते हैं किस पे, H, यहां से H एक लाइन निकलती है, तो हमने इसलिए इसको यहां लिखा है। अब है कि C से हमने इसको F तो हमने उधर लिख दिया, और G है इसको लिखेंगे G। अब देख रहे हैं कि D और G, क्योंकि ये दोनों एक ही जगह पे मिलेगी, ये दोनों कहीं कहीं रुकेगी तो उस एक्टिविटी को नंबर देंगे छह, और डी और जी कहां जाएगी आगे आई पे, ये जा रहे हैं आगे आई पे। तो ये एक एक्टिविटी हो गई कि आई पे इनको जाना है, यानी इन दोनों को, यानी कोई को बीच में एक्टिविटी में बनानी होगी, और डी और जी है जो कहां आई पे जाएंगे दोनों। तो इस तरीके से एक जगह ये मिलते हैं और ये इस तरीके से यहां आते हैं, एरो सभी में लगाना है। और आगे आगे है एच और आई, यानी एच और आई कहां मिलते हैं जाकर के जे पे मिलते हैं, तो इसका मतलब यहां कोई एक्टिविटी और होगी, इसको नाम देंगे हम सात, और ये जाते हैं आगे जे पे, और यहां कहेंगे एंड हो गया इस एक्टिविटी का, तो वो हो गया आठ नंबर। तो ये है जो इसका डायग्राम है, इस तरीके से ड्रॉ होगा। तो थोड़ा इसमें ध्यान रखते हुए हम इस तरीके से इसके डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे इनमें कितना कितना हमारा टाइम लगा है वो लिखेंगे। जैसे कि स्टार्टिंग से ये ए पे आता है तो 12, तो यहां मैं लिखूंगा 12, फिर ए से बी के बीच में 8, ए से बी यानी ये जो यहां से दो से तीन के बीच वाले ये 8 है, सी पे यदि देखें तो इसका टाइम 4 है, डी पे देखें तो ये 3 है, ई पे देखें तो ये 12 है, और एफ पे देखें तो ये 18 है, जी पे देखें तो ये 5 है, एच पे देखें तो ये
चार है, आई पे देखें तो ये नौ है, और जे पे देखें तो ये छह है। तो आप सीधा ही जिसके आगे जैसे लिखा हुआ वो वैसे वैसे उसके साथ में लिख देंगे, तो कोई गलती नहीं होगी इसमें। तो इस तरीके से हम है जो सभी को इनकी जो डेज दे रखे हैं जो एक्टिविटी के वो लिख देंगे सारे सारे, और हमें इसमें जो क्रिटिकल पाथ है वो निकालना है कि सबसे जो लंबा है जो टाइम है मैक्सिमम कितना लग सकता है इस एक्टिविटी में, यानी एक से लेके आठ तक कोई प्रोग्राम है, जैसे कोई कारखाना है किस चीज को बना रहा है, तो वो जो कोई चीज बना रहा है वो अलग अलग एक्टिविटी से होते हुए एंड तक कहां तक पहुंचता है, आठ तक पहुंचता है यूं। तो इस तरीके से ये जो सारा सारा है जो ये इस तरीके से पहुंचने वाला है यहाँ, तो वो रास्ता हम सभी एक 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 बनाते हैं, देखते हैं कि सबसे ज्यादा है जो इसमें टाइम है जो कहाँ लगता है। तो सबसे पहले हम ऊपर वाले रास्ते से आठ तक पहुंचेंगे, कैसे? नंबर वन रास्ता हमने लिया है एक, एक से दो, दो से तीन, तीन से पांच, पांच से सात, सात से आठ, यानी ये जो ऊपर वाला रास्ता है यहां से, यानी इन एक्टिविटी से होते हुए हम आठ एक्टिविटी तक इसको खत्म करते हैं। क्या टाइम लगता है वो लिख देते हैं, ये लिखेंगे एक से दो में बारह प्लस आठ प्लस बारह प्लस चार प्लस छ, टोटल टाइम ही इनका लगता है बारह आठ बीस, बीस और बारह ये हो गए बत्तीस, बत्तीस और ये हो गए दस बयालीस। तो इधर से जाते हैं तो 42 डेज ये लगते हैं इसमें। एक रास्ता यहां से यूं होता हुआ इधर जा रहा है, इसको लेते हैं एक से दो, दो से चार, चार से पांच, पांच से सात, सात से आठ, इनका जो टाइम लगता है वो है 12 प्लस फिर यहां है ये 4 प्लस फिर यहां है ये 18 प्लस फिर 4 प्लस फिर 6 बराबर। तो हमने यहां ये रास्ता यूं लिया है, तो इसका जो टाइम लगता है 12 और 4 होते हैं 16, 16 और 18 को यदि जोड़े तो होते हैं 34, 34 और ये 10 हो जाते हैं 44। इसके बाद में ये हो गया दो नंबर रास्ता। अब एक है कि एक यहां से नीचे मुड़ के जा रहा है ये, इसको लेते हैं यानी एक से दो, दो से चार, चार से छः, छः से सात, सात से आठ, ठीक है, इनमें और टाइमिंग जोड़ लेते हैं तो ये होता है 12 प्लस 4, इधर मुड़ा ये आ गया प्लस 5 प्लस 9 और प्लस 6, इसका टोटल करते हैं तो 12 और 4 16 और 16 और जो 5 है वो हो जाते हैं 21, 21 और 9 हो गए 30 और 6 36, तो ये होता है टोटल 36, ये रास्ता जा रहा है ये है 36। ये हो गया तीसरा। चौथा रास्ता नीचे की ओर जा रहा है ये, वहां तक ये इसमें जाते हैं, टोटल इसके पाथ लिखेंगे, ये जो पाथ है इसका ये है 1 से 2, 2 से 6, 6 से 7, 7 से 8, तो ये एक पाथ है इसका, ये रास्ता है, यानी इसमें हम ड्यूरेशन लिखते हैं बीच में जो जो भी लग रहा है 12 प्लस ये नीचे आ गए 3 प्लस ये 9 प्लस 6, अब देखते हैं जोड़ करके ये होते हैं 12 और 3 15, 9 6 15, 15 15 होते हैं 30। तो हमने देखा सबसे जो लंबा टाइम लगता है वो किसमें लगता है, इसमें लगता है ये इस रास्ते में, जो कि इसका जो सीपी यही होगा, यदि क्रिटिकल पाथ है यदि बात करें तो यही है। तो इसको हम बाकी को हम छोड़ते हैं और इसी को रखते हैं, तो इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं, केवल सभी पाथ में से जो क्रिटिकल पाथ है उसी को ही हम रखेंगे। तो अलग अलग हमने सारे बनाए और इसमें हमने इसको ही रखा है केवल। तो हम बता सकते हैं कि हमारा जो सीपी है यानी क्रिटिकल पाथ है, सीपी ये होगा एक से दो, दो से चार, चार से पांच, पांच से सात, सात से आठ, और टोटल ड्यूरेशन है, ठीक है, ये ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीटेड, यानी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में जो ड्यूरेशन लगेगी टोटल ऑफ लगेगी वो 44 लगेगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये 44 जो दिन है
ये इसके सीपी के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इस तरीके से हम आसानी से डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं और क्रिटिकल पाथ है जो निकाल सकते हैं। बात रही ईएसटी एलएसटी की, तो वो भी हम आसानी से निकाल सकते हैं, एक्टिविटी एक दो और तीन पांच ये सभी पे। तो जो ईएसटी और एलएसटी है वो हम बहुत सारे निकाल चुके हैं, और आपने लास्ट 8 से 10 वीडियोस में आपने देखा होगा, ये हमारा 12 क्वेश्चन है, तो 11 वीडियो जो वीडियो बने हैं 11 क्वेश्चन पे, तो उसमें सारा का सारा मैटर इसी पे था, ईएसटी एलएसटी सभी में निकाला गया है लगभग, तो आप सभी जानते हैं। तो सेम ही इसका जो पैटर्न है, सेम ही तरीका है कि ईएसटी कैसे निकाला जाए, आपके स्टार्ट टाइम और एलएसटी लेटेस्ट फिनिश टाइम किस तरीके से निकाला जाए, तो वो आप आसानी से मेरे ख्याल से निकाल सकते हैं। तो हमने इस क्वेश्चन में जो मुख्य चीज थी वो निकाल ली है। इस क्वेश्चन में जो ज्यादा से ज्यादा कठिनाई वाली जो चीज थी वो ये थी कि इसमें एक्टिविटी जैसे कि 1 से 2, 2 से 3 इस तरीके से नहीं दिया गया है। अब आप यहाँ हम एक्टिविटी भी यदि लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि जैसे कि ये 12 है, किसमें आ रहा है, 1 से 2 एक्टिविटी में आ रहा है। एक्टिविटी लिखना चाहे यहाँ तो ये आएगा 1 से 2, ये है 2 से 3, 2 से 3 ये आएगा, इसके बाद में ये आ रहा है 2 से 4 और ये आ रहा है 2 से 6 और ये जा रहा है 12 आ रहा है जो आ रहा है 3 से 5, 3 से 5 और ये आ रहा है 18 आ रहा है ये 4 से 5 और ये 5 आ रहा है इसके बाद में 4 से 6 और 5 इसमें आ गया और अगला है जो कि ये है 5 से 7 है जो कि 4 है, ये 5 से 7 और ये है 6 से 7 जो कि 9 है, 6 से 7 और लास्ट वाला है 7 से 8। तो इस तरीके से आप एक्टिविटी को भी इसमें बता सकते हो कि ये एक्टिविटी इस तरीके से 1 से 2, 1 से 2 से 3 ये जो भी इसके क्रम है वो इस तरीके से स्टार्ट होती है, एंड पे ये यहाँ खत्म हो जाती है। तो टोटल एक्टिविटी भी आप इस तरीके से इसमें जो निकाल सकते हो। तो वो लोग मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को आप समझ गए हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिए।